और हुकूमत ऑयल माफिया के सामने झुक गई। पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की मद में मजीद बोझ पड़ेगा। वफाकी काबीना ने सीनियर वज़रा की सख्त तनकीद के बावजूद ईसीसी के फैसलों की तौसीक करते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़रा का कहना है कि तेल की कीमतों के हवाले से तहकीक और हकायक सामने आने चाहिए। तफसीलात बता रहे हैं फहीम अख्तर अपनी रिपोर्ट में। तेल माफिया फिर कामयाब। विफाकी काबीना सीबी आयल डीलर और ओएमसी का मार्जिन 1.70 रुपए फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी गई। असद उमर, शिबली फराज, अजम सवाती समेत कई वज़रा का कहना था कि पाकिस्तान में तेल की कीमतों के फार्मूले, कंपनियों के ऑपरेशंस और कंपटीशन कमीशन कुछ भी ठीक नहीं है। ईसीसी की सिफारिशात को काबीना की तवानाई कमेटी में दोबारा नजरसानी करनी चाहिए। वज़रा के एतराज भी ठीक नहीं है। ईसीसी की सिफारिशात को काबीना की तवानाई कमेटी में दोबारा नजरसानी करनी चाहिए। वज़रा के एतराज के बाद हमाद बोले, ये मेरा काम है, मुझे करने दे। काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की मद में अवाम पर इजाफी बोझ डालने की मंजूरी देते हुए फी लीटर पेट्रोल पर ओएमसी डीलर मार्जिन 1.70 रुपए, फी लीटर हाई स्पीड डीजल पर 1.54 रुपए और पेट्रोल हाई स्पीड डीजल पर ओएमसी मार्जिन में 71 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने पेट्रोल पर ओएमसी मार्जिन 2.97 रुपए से बढ़ाकर 3.68 रुपए और डीलर मार्जिन 3.91 रुपए से बढ़ाकर 4.90 रुपए करने की मंजूरी दे दी। हाई स्पीड डीजल पर ओएमसी मार्जिन 2.97 रुपए से बढ़ाकर 3.68 रुपए और डीलर मार्जिन 3.30 रुपए से बढ़ाकर 4.13 रुपए करने की मंजूरी दे दी है। आगे बढ़े।